पंजाब दे सिखां नूं असाई बनाया जा रहा है, तुसी कुछ नहीं कर रहे। और मैं क्या साडे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने डरा के लालच दे नाल सानू जड़ा है वह सिख बनाउण दी सिख्या दित्ती होई नहीं है। असी की करिए, असी की करिए, साडे बाबे नानक ने किया ही नहीं है कि मेरे घर नाल जोड़न वास्ते लोगों नूं डराओ, मेरे घर नाल जोड़न वास्ते लोगों नूं लालच दिओ। ये सानू गुरु नानक साहब ने उपदेश ही नहीं दिता। उन्होंने तो सगो ये कहा, जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। वह तो कहते जे मेरे घर आना है तो आपका सीस तली ते रख के लैके आओ। वह गुरु नानक साहब कहते ने जे मेरे घर आना है तुहाडे बच्चों नूं मुफ्त पढ़ाई मिलूगी, तुहानूं आटा मिलू, दाल मिलू। ये मुफ्त खोरी की आदत पा दिती है सिखी किरतां किरतियां दी कौम नूं। ये सिख जिहड़े ने किरतियां दी कौम है, ये किरतियां दी कौम है, ये देण वालियां दी कौम है, ये वंडण वालियां दी कौम है। साध संगत जी, ते अज राजनीतिक आगुआं ने इन्हां नूं मुफ्त खोरां दी कौम बना दिता है। अज फिर सानू अपना इतिहास, सानू अपना विरसा जिहड़ा है वह पहचानण दी जरूरत है। और इत्थे मंच दे उत्ते बैठे ने श्रोमणी अकाली दल दे आगू, मैं इन्हां नूं भी यह कहना चाहांगा कि अज जिहड़ी जरूरत है श्रोमणी अकाली दल नूं, वह यह है कि जे उन्हें अपना वजूद बचाउणा है, जे अपनी होंद बचाउणी है, कि वह सिखी के प्रचार प्रसार वल ध्यान जिहड़ा है अपना केंद्रित करे। पंजाब दे विच सरकार बनाउणा जिहड़ा है अपना मकसद त्याग के पंथ दे भले लई, सिखी दे प्रचार दे लई अकाली जिहड़े है वह पिंडां दे विच जूझणे शुरू करन। की करांगे सरकार बना के, जे पंजाब च सरकार बन गई, मुख्यमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री की हैसियत की है पूरे भारत के अंदर ये सारे सूबे लोग जिहड़े है वह जान चुके हैं। केंद्र सरकार ने अधिकार खो खो के एक स्टेटा जिहड़ा है वह म्युनिसिपैलिटी कमेटी नालों भी जिहड़ा है वह भैड़े कर दिता है। इस करके सरकार बनाउणा जिहड़ा है वह साडा मकसद नहीं होना चाहिए। मैं नहीं कहिंदा कि विधानसभा के इलैक्शन ना लड़ो, लोग सभा के इलैक्शन ना लड़ो, मकसद जिहड़ा है वह सरकार बनाउणा नहीं होना चाहिए। मकसद जिहड़ा है वह गुरधामां की सेवा, मकसद जिहड़ा है वह पंथ का प्रचार, मकसद जिहड़ा है वह कौम नूं वध तों वध वध तों वध गुरु नानक पातशाह दे घर दे नाल जोड़ना। अज अकाली जिहड़ा है वह गुरु का झंडा चुक लए ते गुरु जिहड़ा है अकालियां नूं आसमान दे उत्ते पहुंचा देगा, यह गरंटी है। लेकिन गुरु पंथ का झंडा, गुरु ग्रंथ का झंडा जिहड़ा है वह अकालियां नूं चुकना पऊगा। अज सारे झंडे छड के तुसीं पंथ का झंडा चुक लो ते सिख दुनिया भर के जिहड़े है वह तुहाडे नाल होणगे। इस धरती के उत्ते उन्हां महान शहीदां नूं, उन्हां महान योधियां नूं याद करन वास्ते इकट्ठे होए हैं जिन्हां ने इत्थे गोरी सरकार नूं दस्सिया कि जे तू जुल्मां दा सिखर जिहड़ा है वह छो सकदी है ते असीं सबर दा सिखर जिहड़ा है वह तैनूं छो के विखावांगे। अंत दे विच जिथे मैं तुहाडा सारिआं दा धन्नवाद करना, उत्थे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मैं खास तौर पर धन्नवाद करना, धर्म प्रचार कमेटी का मैं खास तौर पर धन्नवाद करदा, श्रोमणी कमेटी के प्रचारक साहबान का धन्नवाद करदा जिन्होंने ये प्रोग्राम उलीके, ये प्रोग्राम जिहड़े है हुण पिंड पिंड करन दी जरूरत आ गई है। साध संगत जी, सानू हुण गुरु खालसा पंथ नाल जुड़े सिखां दे घरां दे विच जाना पएगा। मैं कल भी कहा सी कि प्रचार वल ध्यान दईए, सारियां संस्थावां, सारियां संप्रदावां, सारा कुछ छड के सारियां संप्रदावां संस्थावां सिखी दे प्रचार प्रसार लई यतन करन। निश्चय खालसे दे बोल बाल